दुनिया भर में आज क्रिसमस मनाया जा रहा है। देश विदेश में चर्च रोशनी से नहाए हुए हैं और आधी रात को चर्च में विशेष प्रार्थना भी की गई। वेटिकन सिटी में विशेष प्रार्थना सभा हुई और पोप फ्रांसिस ने सभी को शुभकामनाएं भी दी। दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में भी क्रिसमस की धूम है। क्रिसमस पर दुनिया भर में सेंटा क्लॉज भी अलग अलग अंदाज में लोगों को खुशियां और तोहफे बांटते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रणब मुखर्जी ने भी देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में लिखा है कि किसी को भी हर किसी को ईसा मसीह की शिक्षा से प्रेरित होकर मानवता के कल्याण में योगदान देना चाहिए। शनिवार की रात घड़ी की सुई ने जैसे ही 12 बजाए चर्च में विशेष पूजा प्रार्थना शुरू हो गई। प्रार्थना और मिस्सा पूजा के बाद रात 12 बजे प्रभु यीशु का जन्म हुआ। क्रिसमस के लिए चर्चों को खास तौर पर सजाया गया है। क्रिसमस से ठीक पहले ईसा मसीह का जन्म स्थान माने जाने वाले बैथलहम के चर्च ऑफ नेटिविटी में लोग इकट्ठा हुए और क्रिसमस का त्यौहार मनाया। ईसाई धर्म के जन्म स्थान पर आकर लोग बेहद खुश दिखे और प्रार्थना भी की। भगवान यीशु के जन्म के बाद दुनिया भर में चर्च में खास प्रेयर हुई। आज ही के दिन ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह का जन्म हुआ था। जीसस क्राइस्ट की याद में 25 दिसंबर को हर साल ये त्यौहार मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में भी क्रिसमस के मौके पर चर्चों को सजाया गया। गोल डाक चर्च के बाहर रात 12 बजे से पहले ही श्रद्धालुओं का हुजूम जुटना शुरू हो गया। क्रिसमस की खुशी में लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। मुंबई में देर रात से क्रिसमस का जश्न जारी है। लोग रात 12 बजे से पहले ही चर्च के बाहर जुट गए हैं। जैसे ही रात के 12 बजे क्रिसमस का जश्न शुरू हो गया। लखनऊ में शनिवार शाम से ही क्रिसमस की धूम रही। यहां शाम होते ही लोग क्रिसमस की तैयारियों में जुट गए। रात के 12 बजे ही प्रभु मसीहा को याद कर लोगों ने जश्न मनाया। क्रिसमस के मौके पर इस साल इलाहाबाद में सेंटा क्लॉज भी अलग अंदाज में दिखे और इलाहाबाद में इस बार सेंटा क्लॉज टॉफी और चॉकलेट नहीं, कैशलेस अर्थव्यवस्था का पैगाम लेकर आया है और सेंटा क्लॉज सड़कों और चर्च के आसपास लोगों को कैशलेस अर्थव्यवस्था का पैगाम देते दिखे। झारखंड के देवघर में रहने वाले रजत मुखर्जी का क्रिसमस मनाने का अंदाज एकदम अलग है। मुखर्जी के पास ऐसे दुर्लभ 40,000 डाक टिकट मौजूद हैं, जिन पर प्रभु ईसा मसीह के जन्म से जीवन से जुड़ी पुरानी कहानी पूरी ही मौजूद है। स्थानीय लोग रजत मुखर्जी के इस कलाकारी को क्रिसमस पर अनोखा तोहफा मान रहे हैं। इस साल क्रिसमस पर भी नोटबंदी का रंग चढ़ता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक ऐसा अनोखा केक तैयार किया गया है जिस पर नोटबंदी का अंदाज दिख रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान पर भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक की थीम पर भी केक तैयार किए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा ने क्रिसमस के मौके पर लोगों को बधाइयां दी। व्हाइट हाउस में अपने आखिरी क्रिसमस संदेश में ओबामा ने लोगों को धन्यवाद किया और साथ ही अपने कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। ओबामा ने उम्मीद जताई है कि आने वाले सालों में अमेरिका और आगे बढ़ेगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 92वां जन्मदिन है। इस मौके पर दुनिया भर के लोग उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं और उनके स्वस्थ रहने की कामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने उनके घर जा सकते हैं और जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे उनके आवास पर पहुंच सकते हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है और अटल जी खाने के बड़े शौकीन हैं। खुद भी खाते थे और दूसरों को भी वो खिलाते थे। ग्वालियर की बहादुरा स्वीट्स में उनका अक्सर आना जाना हुआ करता था। इस दुकान पर अटल जी अक्सर रसगुल्ले और लड्डू खाने आया करते थे। इतना ही नहीं, जब वो प्रधानमंत्री बने और ग्वालियर उनका आना जाना कम हुआ तो विशेष तौर पर उनके लिए बहादुरा स्वीट्स के लड्डू और रसगुल्ले भेजे जाते थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश में ब्लैक मनी रखने वालों पर निशाना साधा है। पीएम ने पुणे में कहा है कि नोटबंदी के बाद पैसा काला हो जाएगा और ऐसा नहीं हुआ। नोटबंदी को ब्लैक मनी के खिलाफ सरकार की मुहिम बताते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि उन्होंने बहुत जिगर से ये लड़ाई छेड़ी है। पीएम मोदी ने ये दावा किया है कि 50 दिन बाद बेईमानों की तकलीफ बढ़ेगी। नोटबंदी के फैसले पर पीएम मोदी ने कहा है कि इसके बाद छोटे बड़े सब एक स्तर पर आ जाएंगे। आज रेडियो पर पीएम मोदी का मन की बात उन्होंने कही और कहेंगे और ये आखिरी कार्यक्रम है इनका। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का ये 27वां संस्करण है, जबकि इस साल का ये आखिरी कार्यक्रम होगा। माना जा रहा है कि नोटबंदी के बाद इस कार्यक्रम के जरिए दूसरी बार देश के लोगों से जुड़ रहे पीएम मोदी इस बार भी इस मुद्दे पर अपने विचार रख सकते हैं। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार आज से दो योजनाओं की शुरुआत करने की तैयारी कर रही है। लकी ग्राहक योजना और डिजिधन व्यापार योजना के तहत 100 दिनों तक हर दिन डिजिटल भुगतान पर इनाम मिलेगा। इन स्कीमों को 100 शहरों से शुरू किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद राजधानी दिल्ली से पहले ड्रॉ की शुरुआत करेंगे। लकी ग्राहक योजना के पहले ड्रॉ के तहत 15,000 ग्राहकों को 100 दिन तक रोजाना ₹1,000 का कैशबैक मिलेगा। नीति आयोग के तहत इन योजनाओं के तहत यूपीआई, यूएसडी आधार नंबर आधारित पेमेंट सिस्टम और रुपे कार्ड से डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों को अवार्ड दिए जाएंगे। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के धूलागढ़ में 13 दिसंबर को मिलाद उल नबी के जुलूस के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में स्वतंत्र जांच की मांग की है। हिंसाग्रस्त इलाके का जायजा लेने गए बीजेपी के 3 सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को कल वहां जाने से रोक दिया गया था। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल में लोकसभा सांसद और मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त सत्यपाल सिंह और लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल के साथ पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष भी शामिल थे। भारत की रक्षा उपलब्धियों में एक और नई कामयाबी जुड़ गई है। भारत ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी SAAW का सफल परीक्षण किया है। इस मॉडर्न हथियार को DRDO ने इंडियन टेक्नोलॉजी से तैयार किया है। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट से कामयाब फ्लाइट टेस्ट किया गया। इस स्मार्ट वेपन का वजन 120 किलोग्राम है और हमले की रेंज 100 किलोमीटर है, यानी हमारे लड़ाकू विमान अब रनवे, दुश्मन के बंकर और एयरक्राफ्ट को आसानी से निशाना बना सकते हैं। इसे बेहद हल्के वजन का दुनिया का बेहतरीन गाइडेड बम बताया जा रहा है। भारत के अलावा सिर्फ अमेरिका और इजराइल के पास ही ऐसे हथियारों को डेवलप करने पर वो काम कर रहे हैं।